भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशियों पर मंथन किया जा रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा करीब 100 प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगा दी है। भाजपा के प्रत्याशियों के नाम को लेकर लोगों में भी उत्सुकता बनी हुई है। मथुरा सीट भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीट है। ऐसे में मथुरा में भाजपा किस प्रत्याशी पर दांव लगाएगी, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। मथुरा में भाजपा के प्रत्याशी पर सस्पेंस बरकरार है। सुनिए मथुरा में भाजपा नेताओं ने उम्मीदवारों को लेकर क्या कुछ कहा है। लोकसभा चुनावों का बिगुल कभी भी बज सकता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिन रात मेहनत की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है और चुनावी मंथन चल रहा है और प्रत्याशियों पर मंथन चल रहा है। हम आपको बता दें कि इस वक्त अगर देखा जाए तो भाजपा 24 घंटे लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। जो चुनाव समिति है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, करीब 100 प्रत्याशियों पर सहमति लगभग फाइनल हो चुकी है। आप देख रहे हैं इस वक्त हम मथुरा में, और मथुरा में अभी जो नव निर्वाचित हैं राज्यसभा सांसद के रूप में, और मथुरा में 3 बार सांसद पहले रह चुके हैं चौधरी तेजवीर सिंह, जो कल भव्य स्वागत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जिला महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष यहाँ पर है और महानगर अध्यक्ष यहाँ पर है, और तमाम पदाधिकारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हैं। सबसे पहले तो बधाई फिर आपको मैं दे रहा हूँ, कल भी मैंने आपको बधाई दी। चुनावी रणनीति चल रही है, 100 सीटों पर लगभग मंथन आपका फाइनल हो चुका है पार्टी का। किस तरह की रणनीति है, बात मैं मथुरा की करूँगा। मथुरा पर आपने समीकरण बिगाड़ दिया है। देखिए गोविंद जी, हमारी रणनीति और मंथन कभी बंद नहीं होता भारतीय जनता पार्टी का, लगातार वो चलता रहता है। और ये तो लास्ट में एक निर्णय होता है, मंथन बहुत पहले से चल रहा है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने ये कहा कार्यकर्ताओं से अभी जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, कि अब की बार 400 पार, ये संदेश दिया। और जो मोदी जी कहते हैं वो होता है, वो पहले कहा जाता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, अब कहा जाता है कि मोदी कहते हैं वो गारंटी होती है। तो वो गारंटी पूरी होगी। हम लोग, मैं विश्वास के साथ, जिससे राममय वातावरण पूरे देश में बना है, केवल उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं है ये, दक्षिण में किस तरह की सभाएं हो रही हैं, मोदी जी जा रहे हैं दक्षिण में, हम लोगों की स्थिति आएगी, वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ेगा, दक्षिण में सीटें भी अच्छी मिलेंगी। और मोदी जी ने 400 पार का कहा, मैं कहता हूँ कि उनको अब के 450 पार सीटें मिलने वाली हैं। ये तो आप ऐलान कर रहे हैं, 24 में पड़ा, मई में आएंगे ही, लेकिन अब यह है कि किस तरह के प्रत्याशियों का आकलन चल रहा है। विशेष रूप से मैं मथुरा की इसलिए बात कर रहा हूँ, मथुरा में बहुत लोगों की नींद आपकी वजह से ख़राब हो गई है। देखिए, नहीं, कार्यकर्ता की नींद कभी ख़राब नहीं होती। जो अच्छा कार्यकर्ता होता है उसे समय समय पर कुछ न कुछ तेजवीर सिंह जैसा मिलता रहता है और मिलेगा भी। ये बड़ी बात आपने कही है। तो कार्यकर्ताओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं है इसमें, और जो भी आएगा, मैं तो कहता हूँ कि हो सकता है लोकल लड़े। हेमा जी का जो कार्यपीर 10 साल का रहा है, तो उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, उन्होंने भी विकास के लिए वो हमेशा प्रतिबद्ध रही। उठ रही है, वो ये उठ रही है कि आप जैसे आप लोकल सांसद रहे, वर्तमान में आप राज्यसभा हैं, इसी तरीके से लोकसभा का भी सांसद स्थानीय हो, ये मांग बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या फैक्टर निकल के आ रहा है, क्योंकि अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ठाकुर और ब्राह्मण प्रत्याशी यहाँ से भी आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी कभी जाति समीकरणों को लेकर राजनीति नहीं करती, कुछ भी संभव है। जो अच्छा कार्यकर्ता होगा उसे हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व यहाँ भेजेगा, मथुरा को देखते हुए भेजेगा और मथुरा में आने वाली स्थिति को भांपते हुए भेजेगा। अच्छा, मथुरा में ये स्थिति भांपी जाएगी अभी? बिल्कुल भांपी जा रही है बहुत पहले से। जिस तरह से अयोध्या का भव्य राम मंदिर बना है, मथुरा की भी तैयारी हो। आपने बहुत बड़ी बात की है, एक मिनट का समय लूंगा, क्योंकि ये भांपने वाली स्थिति, क्योंकि मथुरा पे जो मंथन तो लगातार सब पर सेम चलता होगा, क्या मथुरा की स्थिति क्या विशेष मानी जा रही है? मथुरा विशेष है ही, काशी, अयोध्या, मथुरा, ये तीनों तो हमारे जो मूल मंत्र है और आस्था के केंद्र भी हैं, लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद का एजेंडा भी है, हम भी तो उसी संगठन के अंतर्गत आती है भारतीय जनता पार्टी। मातृ संघ तो सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है,
जो उनका सपना है उस सपने को साकार करेंगे। एक चीज यह है कि लोगों में यह है कि क्या यहीं के आपके बीच का कोई व्यक्ति चुनाव में आएगा या फिर संगठन अपना कोई व्यक्ति वहां से भेजेगा? देखिए, ये जन भावना है कि हमारा प्रत्याशी लोकल रहे, ये ऊपर सूचनाएं जा भी रही हैं निरंतर, लेकिन अब कोई चुनाव तो है नहीं। मैं तो नहीं मानता लोकसभा का चुनाव होगा। चुनाव इसलिए नहीं है कि कोई सब पार्टी धराशायी हो चुकी है, सब अब परिवारवाद वालों की जो राजनीति थी वो खत्म होने पर जा रही है। कांग्रेस मुक्त भारत जल्दी होने वाला है, साफ तो मैं अब के देख लेना आप। सपा बसपा ये साफ होती जा रही है बिल्कुल। तो मैं चुनावी नहीं मानना, 8 लाख से ऊपर की जीत मथुरा में होने वाली होगी। यहाँ पर महाराज गांधी जी से बात कर लेता हूँ, 8 लाख की जीत बता रहे हैं जो है सांसद जी, वो जो बता रहे हैं सत्य बता रहे हैं, ऐसा ही होने वाला है। हमको तिल तिल करके गलने वाला, देश के लिए गलने वाला, देशवासियों के लिए अपने जान पर खेलने वाला प्रधानमंत्री हमें मिला है, ये देश का और देशवासियों का सौभाग्य है। जहाँ तक बात चुनाव की है मित्रों, मैं आपको ये बता दूँ कि हम प्रत्याशी की चिंता नहीं करते, प्रत्याशी की चिंता जिनको करनी चाहिए वो करते हैं। हम पार्टी का और संगठन का काम करते हैं, हमारी तैयारियां प्रत्याशी घोषित नहीं है और हमारी तैयारियां बूथ स्तर तक फाइनल हैं। चुनाव के जंग के मैदान में हम लोग तैयार हैं। तैयार इसलिए हैं, लोगों आरोप लगा रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन विपक्ष को डरा के तैयारी कर रहे हैं, विपक्ष को धमका के तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष तो डरा नहीं रहे हैं, विपक्ष खुद प्रधानमंत्री जी की अपनी योजनाओं को लेकर के, लोकप्रियता को लेकर के, लोगों को सीबीआई और ईडी की वजह से रात को नींद नहीं आती है विपक्ष वालों को, वो प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं लगातार और हमारे आदर्शों को देखकर वो लोग हतप्रभ हैं। वो जान रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस में हो क्या रहा था, अब ये देश ऊंचाइयों को छू रहा है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, इसलिए वो सब लोग प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। एक बात और कहूँगा कि कल मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि साहब ये सब वॉशिंग मशीन में नहा धोकर तैयार हो जाएंगे क्या, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक गंगा जी है और जितने भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं वो सारी छोटी नदियां हैं और गंगा जी में जब छोटी नदियां मिल जाती हैं वो तो सब गंगा। आदमी पाप करके अगर गंगा स्नान कर ले तो उसके पाप मिट जाते हैं, ऐसा हिंदू मैथोलॉजी में तो माना ही जाता है, आप भी जानते हो गंगा मान रहे हैं। बिल्कुल 100% गंगा है, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, यहाँ परिवारवाद नहीं है, यहाँ पैसावाद नहीं है, यहाँ केवल एक बात है वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, यहाँ जिला अध्यक्ष है, मैं बात कर लेता हूँ निर्भय पांडे जी से, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं महानगर अध्यक्ष और पूरे संपूर्णवाद की बात सांसद जी ने कही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की रणनीति है? देखिए गोविंद जी, आज तो पूरे जिले का कार्यकर्ता जश्न में है, सबको खुशी है कि उनको एक लोकल सांसद हमको मिल गया है यहाँ पर, तो सबसे पहले तो आज हमको उस खुशी को मनाने दीजिए, उसको कल से लेके आज तक पूरा कार्यकर्ता हमारे होली दिवाली सब साथ साथ मना रहा है। तो उसके बाद में जहाँ तक महानगर अध्यक्ष जी ने राष्ट्रवाद की बात कही है, भारतीय जनता पार्टी केवल राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक बात को लेकर केवल आगे बढ़ी है और आगे बढ़ती रहेगी। हमारे भाजपा पर सीधा विपक्ष कह रहा है कि धर्मवाद की राजनीति है, आप धर्मवाद फैलाते हैं और यही आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर के नाम पर आप राजनीति करते हैं। देखिए गोविंद जी, अगर आप पूरे अगर पूरे मैं पूरे देश की बात नहीं करता हूँ, अगर मथुरा की बात करता हूँ केवल, मथुरा में भी अगर मैं अपने धार्मिक स्थलों को लेकर बात करते हैं तो जितनी आज जितना रोजगार हमें अपने धार्मिक स्थलों से हमें मिल रहा है, दूसरा पैसा छोड़ दिया आस्था, आस्था हमारी है उसमें, लेकिन आस्था के बाद में जितना रोजगार हमें मंदिरों के द्वारा आज अपना मिल रहा है तो देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान आज इन मंदिरों का है। और इसमें हिंदू धर्म में आप अगर कोकलावन जाइए, आप पूरे क्षेत्र को देखिए कितने लोगों को रोजगार मिलता है, रिफाइनरी से आपको कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन आप राधा रानी के मंदिर जाइए, बिहारी जी के मंदिर जाइए, तो आप कितने लोगों को हम रोजगार देने का मंदिर, हमारे मंदिर भगवान आज भी हमारे राज्यसभा से सांसद आगे मथुरा लोकसभा से आने, कैसे सांसद की उम्मीद आपको लग रही है पार्टी की? देखिए हमारे सांसद पहले भी सांसद ही थे लेकिन आज हमको और सांसद मिल गए, बाकी जो केंद्रीय नेतृत्व हमारे लिए भेजेगा, हमारे प्रत्याशी तो पहले लोकसभा का घोषित हो चुका है गोविंद जी, कमल का फूल हमारा पहले से ही घोषित है जिसके लिए हम रोजाना रात दिन काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जो भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा उसके साथ साथ अब फिर क्योंकि उत्साह के साथ में एक सांसद मिल गया है और उसका उसके उत्साह के साथ में हम लोग लगेंगे। और जैसा कि अभी आपने कहा 8 लाख के जिताएंगे इस बार, तो मैं कह रहा हूँ आपने अगर कहा है 8 लाख तो निश्चित रूप से हम उसको पूरा करने का प्रयास करें। धन्यवाद, आपने देखा कि और यहाँ पर है और बात कर लेता हूँ मैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आगे की रणनीति को लेकर सतपाल जी? आज भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम जो आपने यहाँ देखा, मोदी जी की गारंटी आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत के संदर्भ में जो कार्यक्रम आज प्रेस जो बुलाई थी उसी के संदर्भ में मैं आपसे ये कहता हूँ, विश्व की एकमात्र एक ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो आम आदमी से सुझाव मांग रही है,
अपने घोषणा पत्र के लिए। कोई भी पार्टी अपना घोषणा क्या ये सभी कहती है, तो क्या ये सभी सुझाव शामिल हो पाएंगे? बिल्कुल, ये जितने भी सुझाव हैं आम आदमी से, समाज के किसी शीर्ष व्यक्ति से, सभी से सुझाव किसी महिला से जो लिए जाएंगे और जो जो वाकई में विचारणीय होंगे वो सुझाव घोषणा पत्र में लिए जाएंगे। एक ऐसी मात्र पार्टी है जो आम आदमी से सुझाव लेके अपनी घोषणा करती है। ये नहीं कि हमने सिलेंडर फ्री हमने दिया, आम आदमी का की ये ज़रूरत थी सिलेंडर की। कितनी उम्मीद आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या उम्मीद है, कैसा प्रत्याशी आने की उम्मीद है? प्रत्याशी जो भी आएगा, पार्टी और कार्यकर्ता का जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है। ये एक प्रत्याशी जो भी आएगा उसको वो लगेगा, जैसा कि अभी सांसद जी ने भी कहा कि सारी सामने वाले कोई प्रत्याशी है ही नहीं, सभी पार्टियां ध्वस्त हैं, किसी के पास में कोई कार्यक्रम ही नहीं है और यहाँ 24 घंटे कार्यकर्ता लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसे कोई प्रत्याशी से मतलब नहीं है। कमल का फूल दिखता है उसी को वोट देता है। कमल का फूल है, डरा के विपक्ष को धराशायी कर रहे हैं सतपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? आरोप लग रहे हैं भाजपा पर कि विपक्षियों को डरा के, भय दिखा के और अपनी सत्ता हासिल करना चाहते हैं भाजपा के लोग। देखिए गोविंद जी, विपक्ष अपनी नाकामयाबियों की ठिकरा हमारे ऊपर फोड़ रहा है। न विपक्ष के पास नीति है, न नियत है, न उसके पास नेतृत्व है। हमारे पास तीनों चीज़ें, नीति है, नीतियाँ हैं, नेतृत्व है और नियत है हमारा। और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश का सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, आज जो संकल्प पत्र है वो सबके साथ और सबके विकास के साथ ही तो चल रहा है। इसलिए इस पूरे देश के 140 करोड़ भारतीयों का सुझाव लेकर के देश को आगे बढ़ाने का संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है। सवाल ये भी है कि जो योजनाएं वो लोगों पर नहीं मिल पा रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में तमाम तरह का करप्शन है, पैसे लेके लोगों से आवास बनते हैं, जो दावा भाजपा करती है क्या वो धरातल पर दिखता है? अगर कहीं इस तरह की बातें हैं तो उसके लिए माननीय सांसद जी ने और पूरे पार्टी नेतृत्व ने कहा है कि आगे इस पर और शिकंजे कसेंगे। और प्रधानमंत्री ने कहा भी है और कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम लोग भ्रष्टाचार पर काम करते हैं। अगर कहीं अधिकारी की इसी इस तरह बदमाशी है तो उसको भी हम ट्रेस करेंगे और कार्रवाई करेंगे। क्या उम्मीद लग रही है स्थानीय, आप स्थानीय प्रत्याशी के मूड में है या कोई संगठन दिल्ली से आए उसके मूड में? देखिए हमारे आप क्या चाहते हैं? ना हमारे यहाँ बॉस इज ऑलवेज राइट, जो पार्टी नेतृत्व पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है मथुरा में, आप ये चाहते हैं कि स्थानीय होना चाहिए या संगठन? मैं गोविंद जी, मैं पार्टी के नेतृत्व से बना हूँ और पार्टी का नेतृत्व जो तय करेगा उसका पालन हम जैसे कार्यकर्ता करेंगे। लेकिन आपकी व्यक्तिगत इच्छा क्या है कि यहाँ स्थानीय होना चाहिए मथुरा का? भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिगत इच्छा नहीं चलती है, पार्टी की इच्छा काम करती है। आपकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं, पार्टी मेरी व्यक्तिगत, मेरी पार्टी से हटके क्या चाहते हैं कि मथुरा का जनपद ही होना चाहिए? मेरी भी इच्छा है, जो पार्टी की इच्छा है मैं पार्टी का। आप ये आपकी व्यक्तिगत क्या है कि मथुरा में स्थानीय होना चाहिए प्रत्याशी? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति मतलब स्थानीय प्रत्याशी हो, बाहरी प्रत्याशी हो, प्रत्याशी केवल जो काम करेगा वो केवल जनता के समावेश और विकास के लिए काम करता है। यह विषय नहीं है कि स्थानीय बाहरी, यह विषय पार्टी का। क्या कुछ कहना चाहेंगे विजय जी? देखिए आज मोदी जी की गारंटी को लेकर आप सब लोगों को बुलाया था, मोदी जी जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। 2014 से आप लोग देख भी रहे हैं, पूरे विश्व में आज पूरे विश्व ने मान लिया कि मोदी जी पूरे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। अभी आप पूछ रहे थे कि हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं मथुरा में कमल का फूल, दूसरा कुछ चाहते ही नहीं हम, केवल कमल का फूल। आवाज़ जनता की आवाज़ यही उठ रही है कि भाई जनप्रतिनिधि स्थानीय होना चाहिए, इजीली अप्रोचेबल होना चाहिए, मिल सकें, बाहर का आएगा तो लोग कैसे मिलेंगे, तो आपकी भी इच्छा है ना जनता के साथ? पार्टी हमेशा जब पार्टी कैंडिडेट तय कर देती है तो पार्टी उस कैंडिडेट की मॉनिटरिंग भी करती है, ऐसा नहीं है कि कोई भारी प्रत्याशी है तो वो भारी रहेगा। हेमा जी जब चुनाव लड़ने आई, आज उनका मकान है वृंदावन में, तो भारी कहाँ से हो गई, हमारे लिए तो अपनी हो गई। वो आपकी इच्छा है कि हेमा जी दोबारा लड़े यहीं से? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हेमा जी लड़े, मेरा देयर इज नो सब्जेक्ट, मेरा सब मेरा कहने का मेरा आपका प्रश्न का उत्तर था कि भारी कोई नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए जो पार्टी तय कर देगी वही हमारा प्रत्याशी। धन्यवाद, आपने देखा कि इसलिए नहीं बोलेंगे, भाजपा के पदाधिकारी हैं ये संगठन में जिले में, लेकिन अब इच्छा तो इनकी भी, ये जान रहे हैं, हंस रहे हैं कि क्या होना चाहिए, लेकिन अब देखना ही होगा कि मथुरा में भाजपा किसको चुनाव मैदान में उतारेगी। न्यूज़ का पर्सन संतोष कुमार के साथ गोविंद भारद्वाज।